अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए जो हूँ वेजिटेबल मंचूरियन की रेसिपी लेकर आई हूँ। वेजिटेबल मंचूरियन के लिए जो हमें चीज़ों की ज़रूरत है वो कुछ यूँ हैं कि 3/4 कप मैदा लिया, 3/4 कप कॉर्न स्टार्च एंड 1/4 कप जो है मैंने चावल का आटा लिया, 1 टेबल स्पून टर्मरिक, 2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर एंड 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और ये गोभी के जो फूल हैं मैंने उनको इस तरह कट कर लिया। और दूसरी तरफ जो है मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक बाउल ले लेंगे, इसके अंदर में मैदा, कॉर्न स्टार्च, चावल का आटा और ये सारी स्पाइसेस ऐड कर देंगे। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर गोभी ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा से इसके ऊपर कोट ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और मैं आपको बताऊंगी मैंने कितना पानी ऐड किया है। बस जैसे पकौड़ों की कंसिस्टेंसी रखते हैं तो बिल्कुल वैसे ही हमने रखनी है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये ऐसे लग रही है। यहाँ पे देखेंगे मैंने कुछ सब्जियां कट करके रखी हैं। ये फ्रेश जिंजर है, हरी मिर्च है, साबुत लाल मिर्च और जीरा। अब हम इसकी सॉस बना लेंगे। पैन हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर ज़ीरा और हम साबुत लाल मिर्च ऐड कर देंगे। साथ ही मिर्च के अंदर लहसुन और हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अब हम सारी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे इसके अंदर। अगर आप चाहें तो सब्जियां बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर 4 टेबल स्पून सोया सॉस, सिरका और ये है 1/2 कप केचप भी ऐड कर दूंगी। हम इसके अंदर 1/2 कप चिली सॉस डाल देंगे। आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं लेकिन ये बिल्कुल मुनासिब है। अब इसमें 1/4 कप पानी हम ऐड कर देंगे।
मैं इसके अंदर कॉर्न स्टार्च डाल रही हूँ। मैंने 2 टेबलस्पून लिया था, उसे मैंने पानी में मिक्स कर लिया और मैं इसके अंदर डाल रहा था ठीक हो जाए। बहुत मज़े की चटखारेदार खुशबुएँ आ रही हैं। अगर आपको इस पॉइंट पर सब्जियाँ कम लग रही हो तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। बस अब इसको हम मिक्स कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर अपनी जो गोभी हमने फ्राई की थी उसको ऐड कर देंगे। बेसिकली क्या होता है कि हमें जो है ना ये सॉस, हम क्या करें कि जब मेहमान आने वाले हों तो मैं आपको एक टिप देना चाह रही हूँ। तो आपने ये पहले ही इस तरह गोभी को फ्राई करके रख देना है। और सॉस में आपको मशवरा ये दूंगी कि आप जो है ना सॉस मेहमानों के आने से पहले रेडी रखें और फिर जैसे ही वो आएँ तो फिर उसमें इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके सर्व कर दें, क्योंकि यूँ खाने का ज़्यादा मज़ा आएगा। इसे मैं 5 मिनट, चलिए मैं अपने फ्लेम को बंद कर दूंगी। ये हो चुका है रेडी और मैं इसको सर्व करूंगी। रेडी हो चुकी है, देखा कितना क्विक और कितनी मज़ेदार सी रेसिपी ये तैयार हो गई है। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि आपको मेरी मज़ीद न्यू रेसिपीज़ मिल सकें। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।